हे गाइस, मेरा नाम है निशा और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डेंटल केयर से रिलेटेड सारी बातों के बारे में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्लियर कर देती हूँ कि आज का हमारा टॉपिक जो है उसके क्या क्या पॉइंट्स रहने वाले हैं, ठीक है। सो आज हम बात करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल कि डेंटल केयर की इम्पोर्टेंस क्या है, दूसरा है कि ओरल हाइजीन हम कैसे बच्चों में मेंटेन करवा सकते हैं, तीसरा है कि ये करना क्यों जरूरी है, चौथा है कि क्या बच्चों को बेड टाइम के टाइम पे ब्रश करवाना जरूरी है, पांचवा है अगर आपका बच्चा डेंटल केयर का जो प्रॉब्लम है ये अगर फेस करे तो हमें क्या करना चाहिए, और छठा है कि आप अपने बच्चे को जो डेंटल केयर का ट्रीटमेंट है वो क्यों करवाना पड़ता है, और अगर ये करवाना पड़ रहा है तो भविष्य में कभी ना करवाना पड़े तो उसको अवॉइड कैसे कर सकते हैं, उससे कैसे बच सकते हैं, उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है दोस्तों। सो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं इसी के साथ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बात कर लेती हूँ कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों बच्चों को डेंटल केयर करना जरूरी होता है। सो जैसा कि हम सब जानते हैं कि जैसे ही बच्चों का 4 to 6 मंथ जैसे ही स्टार्टिंग होता है टीथिंग का, तो उसको ब्रश करना, उसे फ्लॉस करना, मतलब हम कह सकते हैं जीभी करना और उसे साफ रखना, ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। ये इसका रीजन ये है कि एक स्टडी के अनुसार ये पता चला है कि 57% जो भी बच्चे हैं वो जब अपनी यंग एज पे पहुंचते हैं उस टाइम पे उन लोगों को सड़न यानी कह सकते हैं टीथ डीके का प्रॉब्लम होता ही है, ये एक सर्वे के हिसाब से पता चला है, ठीक है। और दूसरा ये भी है रीजन कि 25% लोग जो 65 की उम्र में आते आते उनके सारे दांत गिर जाते हैं, ये एक बहुत बड़ा मेजर इफेक्ट है कि हम अपने दांतों का ध्यान नहीं रखते हैं उसके लिए, ठीक है। दांतों का ध्यान रखने के लिए जो हमको हाइजीन मेंटेन करना चाहिए वो हम अगर नहीं करते हैं, बचपन से ही आदत डालना बहुत ज्यादा अच्छा होता है बच्चों में, ताकि ये चीज क्या उनकी हैबिट रह जाती है तो वो आगे इस चीज को कैरी कर सकते हैं और उन्हें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है डेंटल केयर को रिलेटेड, ठीक है। सो अब बात कर लेते हैं ओरल हाइजीन के बारे में। ओरल हाइजीन में कौन कौन सी चीजें आती हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आएगा ब्रशिंग। ब्रशिंग कह सकते हैं इट्स अ मेन इंग्रेडिएंट या टॉपिक जब हमको हमारी दांत की कह सकते हैं केयर करनी है उस टाइम पे ब्रशिंग बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। दिन में 2 बार एक इंसान को ब्रश करना चाहिए, आप अपने बच्चे को 2 बार ब्रश करें सुबह और रात को सोने से पहले, ठीक है। और ब्रश करवाते टाइम कम से कम तीन मिनट तक आपको अपने बच्चे को ब्रश करवाना है, ठीक है। इस चीज का खास ध्यान रखें क्योंकि हम लोग इतना ध्यान नहीं देते इस चीज पे। 180 सेकेंड बच्चों को ब्रश करवाना इट्स अ वेरी नीडफुल थिंग, ठीक है। दूसरा है कि ब्रश जब आप अपने बच्चे को करवा रहे हैं तो उसकी टेक्निक होती है, कह सकते हैं 70% लोग जो है वो रियल जो टेक्निक है दांतों को साफ करने की या फिर ब्रशिंग की वो यूज नहीं करते हैं, रादर देन ऐसे ऐसे घिस देते हैं हम लोग। ब्रशिंग का रियल टेक्निक है जिगजैग फॉर्म, ठीक है। अगर आपको चाहिए हो तो मैं उसकी टेक्निक भी आपको शेयर कर दूंगी, एक बार आप कमेंट में मुझे बता दीजिएगा, ठीक है। सेकेंड है टूथ ब्रशेस जो है बच्चों को, अगर आपके बच्चे को एनिमल्स पसंद है तो आप बच्चे को उस तरीके का लाके दे सकते हैं टूथब्रश, तो उसमें सबसे अगर आपके बच्चे को एनिमल्स पसंद है तो हिप्पो शेप्स का जो आता है ना टूथब्रश वो आप उसको लाके दे सकते हैं। और दूसरा एक और कर सकते हैं कि एलिगेटर शेप का भी आप अपने बच्चे को टूथब्रश लाके दे सकते हैं। टूथब्रश लेते समय आप इस चीज का ध्यान रखें
कि उसमें जो ब्रिसल्स हैं वो सॉफ्ट हो, क्योंकि अगर हार्ड ब्रिसल्स होंगे तो उनको ब्लीडिंग का प्रॉब्लम हो सकता है। सो इस चीज का काफी ध्यान रखने की जरूरत है। और एक और चीज का ध्यान रखना है आपको कि आप अपने बच्चे के टूथब्रश को हर 3 मंथ में चेंज करते रहें, ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है फ्रेंड्स। तीसरा है टूथपेस्ट। दोस्तों टूथपेस्ट कह सकते हैं बहुत ज्यादा जरूरी होता है बच्चों में देखने के लिए कि हमको कौन सा टूथपेस्ट बच्चे के लिए यूज करना है। सो अगर आपका बच्चा 2 साल से ऊपर है तो आप अपने या और कह सकते हैं कि थूक सकता है, स्पिट कर सकता है, तो आप अपने बच्चे को फ्लोराइड वाला टूथपेस्ट लाके दें, वो बहुत ज्यादा अच्छा होता है बच्चों के लिए। 2 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए वो अप्लीकेबल नहीं है, बिकॉज वो थूक नहीं सकते, ठीक है। सो और हाँ, कितना टूथपेस्ट अपने बच्चे को आपको देना है ब्रशिंग के टाइम पे, वो भी कह सकते हैं, निश्चित कर सकते हैं। अगर आपका बच्चा 2 साल से कम है, 2 साल से कम है अगर आपका बच्चा, तो आप अपने बच्चे को राइस यानी कि चावल के जितना साइज का टूथपेस्ट ही दें, वही अच्छा है। और अगर आपका बच्चा 2 साल से ऊपर है, मतलब कि 2 साल से अगर बड़े हैं आपके बच्चे, तो आप उसको पी साइज मतलब कि मटर के साइज का टूथपेस्ट ही दें, यही बेस्ट ऑप्शन होता है, ठीक है। इसके अलावा टूथपेस्ट जो है वो बच्चों में ऐसे टूथपेस्ट जो टूथपेस्ट का यूज करना क्यों जरूरी है, क्योंकि वो बच्चों में डीके यानी कि सड़न यानी कि कैविटी को कम कर देता है, ठीक है। अब चौथा है हाउ टू फ्लोश, फ्लोशिंग। फ्लोशिंग कह सकते हैं बच्चों में बहुत ज्यादा जरूरी होता है। जैसे ही जिस टाइम पे उनकी उनका पहला दांत आता है, उस टाइम से ही बच्चों में फ्लोशिंग की जरूरत होती ही होती है, ठीक है। सो बच्चों को पहले जब स्टार्ट कर रहे हैं आप, उस टाइम पे आप अपने बच्चे को स्टिक फ्लोशिंग करवाएं, उसके बाद धीरे धीरे उसकी हैबिट में स्टिक फ्लोशिंग भी ला दें, ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। क्योंकि पता चला है कि एक सर्वे के हिसाब से पता चला है कि बच्चों में फ्लोशिंग ना करने की वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है टंग को, ठीक है। सो अब बात कर लेते हैं कि आप अपने बच्चे का डेंटल केयर प्लानिंग कैसे करेंगे। सो डेंटल केयर प्लानिंग करने के लिए मैं सबसे पहले सजेस्ट करूंगी कि जैसे ही आपका बच्चा 1 साल का हो जाता है, 1 साल का हो जाता है यानी नॉर्मली बच्चों में दांतों का एक सेट 1 साल के अंदर आ जाता है, या तो कह सकते हैं कि दांत आ ही जाते हैं इस टाइम पे, बट कॉज आपके बच्चे का दांत आ चुके हैं तो वो एक इन्विटेशन होता है कैविटीज के लिए कि उनके जल्दी से जल्दी उनके बैक्टीरियाज के लिए कि उनके मुंह के थ्रू उनके शरीर में दाखिल हो जाए, ये एक बहुत बड़ा सोर्स होता है। सो आपको जैसे आपका बच्चा 1 साल का होता है, सबसे पहले आपको जाके एक डेंटिस्ट या फिर डेंटल केयर के पास जाके और उसको अपने बच्चे को दिखाना है कि आपके बच्चे की दांतों की कंडीशन अभी क्या है, क्या वो रेडी है या फिर उसमें इम्यूनिटी है इतनी उसके दांतों में कि वो बैक्टीरिया से फाइट कर सके, ठीक है दोस्तों। दूसरा कह सकते हैं कि आप अपने बच्चों को लीफी वेजीज ज्यादा खिलाने के लिए रखिए उनकी डाइट में, ये बहुत अच्छा होता है दांतों के लिए, ठीक है। आप कह सकते हैं कि ये डेंटल केयर कराना क्यों जरूरी है, क्यों हमको डेंटिस्ट के पास जाना है अपने बच्चे को लेके। सो उसका सबसे पहला रीजन ये होता है कि टूथ डीके मतलब दांतों में सड़न। बच्चों में दांतों में सड़न होना बहुत ही कॉमन बात है दोस्तों, बहुत ही ज्यादा, क्योंकि बच्चे ज्यादातर स्वीट्स और चॉकलेट्स पे निर्भर होते हैं और वो बहुत ज्यादा इसको कंजप्शन इनका बहुत ज्यादा उनके लाइफ में होता है, रूटीन लाइफ में बहुत ज्यादा होता है, इसकी वजह से उनको दांतों में कैविटी होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। इसके लिए आपको जरूरी है कि आप अपने बच्चों को 6 मंथ में एक बार डेंटल केयर जरूर दें, उसको जरूर एक बार डेंटिस्ट के पास लेके जाएं। दूसरा रीजन हो सकता है क्रूव्ड टीथ मतलब कि टेढ़े मेढ़े दांत, कुछ बच्चों के टेढ़े मेढ़े दांत हो जाते हैं, उसकी वजह से भी बच्चों को डेंटल केयर करवाना बहुत जरूरी हो जाता है। तीसरा है फ्लोराइड डेफिशिएंसी, जैसे कि मैंने पहले बताया कि अगर 2 साल से ऊपर है आपका बच्चा तो आप अपने बच्चे के लिए फ्लोराइड वाला टूथपेस्ट लें।
जैसे अगर हम अपने बच्चों के लिए फ्लोरल वाला टूथपेस्ट नहीं ले रहे हैं और उसमें प्रॉपर इम्यूनिटी नहीं है, फ्लोरल प्रॉपर नहीं है, तो इसकी डेफिशिएंसी की वजह से भी दांतों में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। इसके लिए डेंटिस्ट के पास जाना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि वही आपको बता सकता है कि इस बच्चे में दांतों की फ्लोराइड की डेफिशिएंसी है या नहीं। ठीक है, फोर्थ है फैमिलियरिटी, मतलब कि जैसे हम बड़े हैं, इतने बड़े हैं हम, तो भी हमको भी ये प्रॉब्लम होती है। जैसे हम अज्यूम करते हैं कि हम किसी डेंटिस्ट के पास जा रहे हैं, ठीक है, सो हमको एक डर सा होता है, वैसे हेजिटेशन सी होती है, वैसे बच्चों को तो और ज्यादा होगा। सो इसके लिए अगर आप हर 6 महीने में डेंटिस्ट के पास जाते रहेंगे तो आपके बच्चों को ये चीज मतलब डाइजेस्ट हो जाएगी, या फिर कह सकते हैं एक हैबिट बन जाएगी, एक रूटीन में आ जाएगा, तो उसको इतना डर नहीं लगेगा, वो एक फैमिलियर हो जाएगा दैट डॉक्टर या फिर दैट डेंटिस्ट। ओके, सो अब बात करते हैं कि क्या ये कंपलसरी है कि बच्चों को बेड टाइम से पहले ब्रश करवाया ही जाए। सो इसका जवाब है दोस्तों, यस, इट इज कंपलसरी टू ब्रश योर चाइल्ड बिफोर बेड टाइम, क्योंकि ये बहुत ज्यादा देखा गया है कि जब भी आपका बच्चा जब सोता है उस टाइम से पहले जो भी उसने खाया होता है तो उसमें कुछ पार्टिकल्स रह जाते हैं, अगर ये पार्टिकल्स उसके दांत मुंह में रह जाते हैं तो ये बैक्टीरिया के कॉजेस बहुत ज्यादा हो जाता है, इसका कैविटीज के बहुत ज्यादा कॉजेस हो सकते हैं, बहुत ज्यादा चांसेस है कैविटीज होने के, एंड ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आगे उसको बहुत प्रॉब्लमेटिक हो सकती है, जैसे कि उनको सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम हो सकती है, उनके दांत बहुत जल्दी गिर सकते हैं। सो इन सब चीजों के को देखते हुए ये बहुत जरूरी है कि आप अपने बच्चे को बेड टाइम से पहले ब्रश जरूर करवाएं। ठीक है, और एक और बात कि अगर आप अपने बच्चे को ब्रश करवा चुके हैं उसके बाद में उसे ना तो कोई फूड ना तो कोई बेवरेज दें, ये एक मेरा सजेशन है, क्योंकि ये मेक श्योर करें कि जब वो सोने जा रहा है उसके जस्ट पहले वो ब्रशिंग कर ले। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि अगर आपके बच्चे को डेंटल प्रॉब्लम हो गया है, मतलब उसके दांत में अगर पेन हो रहा है, उसको कुछ ज्यादा प्रॉब्लम हो चुकी है, कैविटी हो गई है, उसको कोई और प्रॉब्लम है, तो आप अपने बच्चे को कैसे उसका ध्यान रखेंगे, क्या करें आप तो उसको ज्यादा पेन ना हो। दोस्तों हम सब जानते हैं कि कोई भी माँ बाप ये नहीं चाहता कि उसका बच्चा पेन में हो, उसके बच्चे को कोई ज्यादा तकलीफ हो, ये कोई हम नहीं देख सकते हैं। तो इस चीज के लिए अगर आपके बच्चे को दांतों का प्रॉब्लम हो गया है, आपको अगर उसकी डेंटल केस कह सकते हैं डेंटल केयर के लिए आप जा रहे हैं, बहुत ज्यादा डर रहा है आपका बच्चा, आप या तो फिर आपके बच्चों की दांतों की ट्रीटमेंट करवाने जा रहे हैं या फिर घर में ही है, सो इस चीज के लिए आप क्या कर सकते हैं, उसका सबसे बड़ा ऑप्शन है दोस्तों पॉजिटिविटी। अपने बच्चे के अंदर आपको पॉजिटिविटी लानी है कि बेबी आप ठीक हो जाओगे, इट इज नॉर्मल, सबके साथ होता है, तो वो उस चीज को डाइजेस्ट करेगा कि हाँ ठीक है, ये सबके साथ होता है, ये नॉर्मल है, मैं ठीक हो सकता हूँ, मैं बहुत जल्दी ठीक हो जाऊंगा, ये चीज उसको आपको एक विश्वास दिलाने की जरूरत है, उसमें पॉजिटिविटी लाने की जरूरत है। सेकेंड थिंग ये है कि जो सबसे ज्यादा एक कह सकते हैं मैजिक है कि बच्चे को आप अपने बच्चे को कह सकते हैं कि आप अपने बच्चे को डिस्ट्रैक्ट करें। डिस्ट्रैक्ट करना दोस्तों बहुत ही ज्यादा पेरेंट्स के लिए हेल्पफुल साबित होता है, हर एक चीज में बच्चों को डिस्ट्रैक्ट करना बहुत ज्यादा इजी होता है और अच्छा होता है, क्योंकि हर माँ बाप को ये बहुत अच्छा लगता है कि हम अपने बच्चे को स्टोरीज कहें, आप स्टोरीज के थ्रू किसी और चीज के बहाने आप अपने बच्चे को डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं। डिस्ट्रैक्शन इज अ मेन इंग्रेडिएंट टू लॉस द पेन। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि आप अपने बच्चे ऐसा कब होता है कि आपको अपने बच्चे को डेंटिस्ट के पास यानी डेंटल केयर के लिए ले जाना है, मतलब कि दांतों के इलाज के लिए ट्रीटमेंट के लिए कब ले जाना है, उसे कहते हैं ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट, तो इस चीज के लिए आपको अपने बच्चे को कब लेके जाना पड़ता है। सो उसका सबसे पहला रीजन होता है क्रूड टीथ, मतलब कि दांत अगर अनइवन शेप में है, तो जैसे अगर आपका बच्चा ऐसे दांत ऐसे करता है तो वो एक दांत के नीचे दूसरा दांत अगर नहीं आता है, टेढ़े मेढ़े दांत है,
तो ये बहुत ज्यादा कह सकते हैं जरूरी बन जाता है कि बच्चे के लिए ट्रीटमेंट दिया जाए दांतों का। इसको प्रिवेंट करने के लिए भी मैं बताऊंगी कि आप क्या कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा एक है कि आप बच्चों के दांतों में सड़न हो गई है। तीसरा है कि अगर आपके बच्चे के कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा दांत जो मिल्की टूथ कहते हैं ना, मिल्क टूथ, दूध के दांत, वो बहुत ज्यादा गिर चुके हैं, उसकी डेफिशिएंसी की वजह से भी बच्चों को ट्रीटमेंट लेना जरूरी हो जाता है। अब बात करते हैं कि क्या करें ऐसा जिससे आपके बच्चे को ये ट्रीटमेंट, ये जो क्रूक्ड टीथ है उससे कैसे बचाया जा सकता है। सो उसके लिए आप एक बहुत अच्छी चीज कर सकते हैं दोस्तों, क्रूक्ड टीथ से बचाने के लिए। ये इसका एक रीजन क्या होता है, दांतों का टेढ़ा मेढ़ा होना, इसका एक बहुत बड़ा रीजन होता है बच्चे अंगूठा चूसते हैं। जैसे हम जानते हैं कि ज्यादातर बच्चे अपना अंगूठा चूसते होते हैं बचपन में, सो उस चीज की वजह से उनके जो दांत हैं वो टेढ़े मेढ़े आते हैं। तो आप इस चीज को प्रिवेंट कर सकते हैं अगर आपकी उम्र में है तो, ठीक है। सो यही कुछ बातें थी जो मेरे को आपको बतानी थी कि आप अपने बच्चों के दांतों का किस तरीके से ध्यान रखें। इसके अलावा प्रॉपर हाइजीन रखें अपने बच्चों के दांतों का, तो ही आपको आगे ज्यादा बेनिफिट होगा, वरना उनको भी प्रॉब्लम हो सकती है। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच आपका कीमती समय देने के लिए। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।